चैनल। तो गाइस जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं गाइस, तो गाइस हमने इससे पहले के वीडियो में हमने इसके पूरे कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हम जानकारी लिए थे गाइस, किस तरीके से वायरिंग होती है। तो गाइस आज इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि असेंबली किस तरीके से करते हैं गाइस। तो गाइस सबसे पहले गाइस हम ट्रांसफार्मर हमने इसके अंदर फिट कर दिए हैं। तो इसके बाद हम इसे इसमें लगाने वाले हैं। तो गाइस ये जो है ड्यूल आईसी 3440 का एम्पलीफायर बोर्ड है। तो गाइस ये हम इसमें लगाने वाले हैं। और गाइस उसके साथ गाइस ये MP3 मॉड्यूल है। तो गाइस MP3 मॉड्यूल है, तो गाइस इसे भी हम इसमें लगाने वाले गाइस। तो ये किस तरीके से लगाते हैं, ये किस तरीके से असेंबली होती है वो जरूर देखे गाइस। और एक बात है गाइस, तो गाइस हमने इसके पहले के वीडियो में बताए थे गाइस कि इस तरीके से वायर अच्छे से लेना चाहिए। तो गाइस ये जो 3440 आईसी होती है, वायर खराब होने की वजह से ये जो वायर है, ये वायर ग्राउंड को लगने से जल्दी खराब हो जाती है। तो उसकी वजह से हमने क्या किया है, इसमें मोटे वायर लिए हैं, मतलब इसमें गेज ज्यादा बड़ा है, तो ये थोड़े स्ट्रांग वायर लिए हैं गाइस। तो गाइस पतले वायर रहने की वजह से क्या होता है, कट के ग्राउंड को लगने पर है ना आईसी जल जाती है, तो इसलिए हमने स्ट्रांग वायर लिए हैं, तो ऑडियो भी अच्छी आती है आवाज, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सेटअप किया है। तो गाइस हमने मॉड्यूल लगाना है इसके अंदर। तो सबसे पहले गाइस मॉड्यूल के लिए ये उसके साथ में कॉर्ड मिलते हैं। तो गाइस इसमें पॉजिटिव नेगेटिव है, तो पॉजिटिव के लिए गाइस हमें ये बोर्ड के अंदर देखना है 7805 लिखा हुआ होता है गाइस, ठीक है। तो 7805 लिखा होता है, तो वहां से 1 2 3 नंबर की पिन पर हमें लगाना है पॉजिटिव वायर। तीन नंबर की साइड पॉजिटिव लगाना है और जो मिडल में जो वायर होता है वो ग्राउंड का होता है, तो एक ग्राउंड को लगा देना है। तो इस तरीके से हम मॉड्यूल की जो पावर सप्लाई है इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा गाइस। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे प्रॉब्लम होता है ज्यादा, तो गलत वायर नहीं होना है, तो इसलिए मैं इसके जानकारी दिया हूँ गाइस, ठीक है। तो इसे एक बार कन्फर्म कर लेना है कि ये 5 वोल्ट आ रहा है या नहीं, वो कन्फर्म कर लेना है गाइस। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है, तो ये 5 वोल्ट हो चुका है। तो इनपुट के लिए जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये पिन है गाइस, तो इसका जो मिडल का जो वायर होता है ये ग्राउंड होता है, तो हमें इसे ग्राउंड में लगा देना है। और ये इनपुट में लगा देना है यहाँ पे ऑडियो इनपुट। तो गाइस ये हो जाएंगे ऑडियो इनपुट के लिए, जो एम्पलीफायर में इनपुट है उसके लिए हो जाएगी गाइस, ठीक है। तो गाइस ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये इनपुट के सिग्नल हो जाएंगे और ये हो जाएगा पावर के लिए 5 वोल्ट, ठीक है। तो गाइस इसका जो वायरिंग हो चुकी है गाइस, तो इसमें सिर्फ केबल लगाना है और स्पीकर केबल वो रैक को लगाना है गाइस। तो देखिए गाइस इस तरीके से हो चुका है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो गाइस अब इसे फिटिंग करना है, फिट करके हमें वॉल्यूम चेक करके हमें वॉल्यूम लगाना है गाइस, बेस ट्रेबल के हिसाब से हमें वॉल्यूम चेक करके लगाना है गाइस, ठीक है। तो इसके लिए हमें स्पीकर के वायर लगा देंगे। इस तरीके से हमारा सेटअप हो चुका है गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी से हम ये माइक हम बाद में देखेंगे। तो गाइस इस तरीके से हमने लगा दिए हैं, अभी हम ऑन करके हम वॉल्यूम चेक करने वाले बेस ट्रेबल के लिए। तो ये बेस रहेगा, ट्रेबल रहेगा।
इस तरीके से हमने वॉल्यूम फिट कर दिया है। वॉल्यूम ओके से तो गाइस वॉल्यूम अच्छे से लग चुके हैं गाइस, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी पूरी वायरिंग हो चुकी है। तो गाइस हमें इसमें अब ये मॉड्यूल लगाना है, मॉड्यूल लगाने फिट कर देना है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इस तरीके से लगा देना है। तो गाइस इस तरीके से हमारा सेटअप हो चुका है और ये पूरा फिट हो चुका है गाइस, ठीक है। अब सिर्फ टेस्ट करना बाकी है। तो देखिए गाइस, तो अभी इसे सप्लाई देंगे, सप्लाई देके हम किस तरीके से हमें स्पीकर लगाएंगे, स्पीकर लगा के हम इस किस तरीके से चलता है वो देखेंगे। हमारा एम्पलीफायर ओके हो चुका है, ठीक है। तो गाइस अब नेक्स्ट टाइम दूसरी साइड चेक कर लेंगे। तो गाइस दूसरी साइड भी ओके हो चुका है। तो गाइस इस तरीके से हम एम्पलीफायर बना सकते हैं एकदम हाईफाई घर पर। अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट पे जरूर कीजिए गाइस। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए गाइस। थैंक यू गाइस।